इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो ये मान लो मेरे पास एक वॉल है, ठीक है, और ये एक लैडर, इसके साथ हमने सीढ़ी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीढ़ी लगा दी, ये दीवार है और ये सीढ़ी इसके साथ हमने खड़ी कर दी, सच दैट इट्स फुट, यानी कि इसका जो बेस है सीढ़ी का, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल के बेस से जो इसका डिस्टेंस है, ये हमें गिवन है 2.5 मीटर्स, ठीक है। एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। और ये सीढ़ी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे एक विंडो है, और वो विंडो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, 6 मीटर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए और इसको बी मान लूँ, तो ए बी जो है वो 6 मीटर्स है, दीवार तो और भी ऊँची हो सकती है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो मुझे ये लैडर है बी सी, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और सिंपल सी बात है, दीवार जो है वो ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये ए बी सी मेरे पास क्या आ गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं यहाँ से बी सी निकाल लूँगा, सो दैट्स इट। ये समझ में आ गया, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, नहीं तो सॉल्व मैं क्विकली कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें मैं कुछ खास नहीं लिखूँगा, मैं सीधा ही बता रहा हूँ कि ए बी जो है वो हाइट ऑफ द विंडो हो गई, ठीक है। तो ए बी हमें कितना गिवन है, 6 मीटर्स, और ए सी हमें कितना गिवन है, वो गिवन है 2.5 मीटर्स, और एंगल ए जो है वो हमें पता है 90 डिग्री है, क्यों, बिकॉज वॉल इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसका मतलब बी सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 42.25। और यहाँ से जब मैं बी सी निकालूंगा तो वो मेरा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 विच इज़ इक्वल टू 6.5 मीटर्स इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।